नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। लोग सोच रहे होंगे मैं गुस्से में आऊँगा, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना कार्य करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ। जो कुत्ते भोंकते हैं मेरे चैनल पर उन्हें भोंकने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ट्रेन चल जाती है और डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है, डॉग्स का काम ही बात करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, उनके तो 4 दिन पहले हो गया था ये सब काम, उनको पता है, बहुत बड़े ज्ञाता हैं वो, जानते हैं सब कुछ। और अब ये तो कहीं जादू की छड़ी होगी जो नोटिस आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ आपके जो एग्ज़ाम थे वो, जो आपके 8 से और 20 तक उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये आपके एग्ज़ाम, आपको डेट बता दी जाएगी कब होंगे। और धन्यवाद है जिन्होंने हमारी इस मुहिम में, जो हमने बच्चों के हित में, पेरेंट्स के हित में, देश हित में उनको करने के लिए बोला, उन्होंने नाम लेने से मना किया है। तहे दिल से धन्यवाद है भाई साहब सब लोगों को जिन्होंने हमारा साथ दिया। और आज अगर हम यहाँ बोल पा रहे हैं तो आपकी वजह से है, नहीं तो हमारे कमेंट्स आप देख लीजिए, हमारे कपड़े फाड़ने तक तैयार हैं लोग। यानी कि सच का साथ देना इतना बुरा होता है इस देश में विकांत से, तो ये है इस देश की दुर्दशा जो हो सकती है, क्योंकि जो सच का साथ देगा वो पिटेगा। ठीक है, तो और इसमें तो एक नहीं, 2-3 हैं, डागर साहब हैं, एक मनीष जी हैं, एक मीना जी हैं, और एटसेट्रा 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 लाइन लगी हुई है। अब उनको क्या कहूँ मैं किसी को, चलिए छोड़िए, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, लेकिन कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और हमारी जो एक बहुत ही प्यारी मुहिम थी वो कामयाब रही, हम उस पर कामयाब रहे, और हमने धन्यवाद दे दिया है उनको। और आप सब अब शिद्दत से पढ़ाई करें, जब भी आपकी डेट आएगी आप उसमें अच्छी से अपने एग्ज़ाम को दें। और मेरे तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सब लोग कामयाब हों, आपके परिवार में सुख शांति रहे और आप भी खुशी से रहें। लेकिन किसी की क्षमताओं पर उंगली न उठाएं, किसी की क्षमताओं पर उंगली न उठाएं। आजकल कौन क्या है किसी को कुछ पता नहीं है दोस्तों, किसी कुछ पता नहीं है कि किस उसके अंदर कितनी पावर है, इमेंस पावर होती है आजकल सभी में। इसलिए कभी किसी को बुरा मत बोलो, बुरे कमेंट्स मत करो। आज फिर से मेरा मन व्यथित हुआ आपके कमेंट्स पढ़कर, लेकिन फिर भी मुझे कोई बात नहीं है। आप सब लोगों ने गुस्से में किया, आपका गुस्सा भी जायज हो सकता है, हो सकता है आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हों, आपकी जो तैयारी है बहुत उच्च लेवल की हो, तो जिसको आप अप्लाई नहीं कर पाए, इसके लिए मैं सॉरी हूँ आप सबसे। ये मयंक जी हैं, डागर जी हैं और एक मीना जी हैं, ठीक है जी, तो इनको, इनसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि इनकी जो तैयारी थी बहुत उच्च लेवल की थी, उच्च कोटि की थी, और वो इसको अप्लाई नहीं कर पाए, और अब जब अप्लाई करने का मौका आएगा तो ये उसको भूल जाएंगी। तो शोरी, मेरे तीनों जो बच्चे हैं, इससे 3-4 बच्चे हैं जो, सॉरी मांगता हूँ मैं उनसे, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और उनको बहुत नॉलेज है इस जहान की, अपने सब्जेक्ट की, और उनका परिवार है बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कार वाला है, क्योंकि इतने अच्छे संस्कार दिए हैं उन्हें कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। और लगता है वो अपने माँ बाप को भी ऐसे ही संबोधित करते होंगे या बुलाते होंगे या उनसे बातचीत करते होंगे। तहे दिल से शुक्रिया। और फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि जो हमने देश हित में, बच्चों के हित में, और पेरेंट्स के जो लेटर्स आए थे, फोन कॉल हुई थी, उनके हित में रखकर ये बोला था कि जो इन सबके हित में हो उस कार्य को किया जाए, तो उन्होंने
यही उचित समझा इस पैंडेमिक में कि पेपर जो पेपर 20 तक हैं उनको पोस्टपोन किया जाए। और आज ही यूपी में भी यूपी गवर्नमेंट ने 12वीं क्लास के जो पेपर है, यूपी बोर्ड के पेपर है, उनको स्थगित या कैंसिल कर दिया है, उनको ऐसे ही मार्क्स के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हम होंगे कामयाब।